सतनाम वाहे गुरु जी। आज की कहानी गुस्से पर आधारित है कि किस तरह हम गुस्से से सब बनी बनाई चीज़ें बिगाड़ देते हैं। आइए इसी से जुड़ी एक कहानी मैं आपको बताऊंगी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। एक सरकारी कार्यालय में बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। खिड़की पर जो क्लर्क बैठा हुआ था वह बहुत ही तेज मिजाज का था और सभी से तेज स्वर में बात कर रहा था। उस समय भी एक महिला को डांटते हुए वह कह रहा था, आपको जरा भी पता नहीं चलता है, यह फॉर्म भरकर लाई है, कुछ भी सही नहीं है इसमें। सरकार ने फॉर्म फ्री कर रखा है तो कुछ भी भर दो, जेब का पैसा लगता है तो 10 लोगों से पूछकर भरती आप। एक व्यक्ति पीछे से खड़ा काफ़ी देर तक यह देख रहा था। वह पंक्ति से बाहर निकलकर पीछे के रास्ते से उस क्लर्क के पास जाकर खड़ा हो गया और वहीं रखे मटके से पानी का एक गिलास भरकर उस क्लर्क को दिया। क्लर्क ने उस व्यक्ति की तरफ आंखें घूर कर देखा और गर्दन उचका कर कहा, क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, सर काफ़ी देर से आप बोल रहे हैं, आपका गला सूख गया होगा, आप यह पानी पी लीजिए। क्लर्क ने पानी का गिलास हाथ में ले लिया और उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे किसी दूसरे ग्रह का प्राणी देख लिया हो और कहा, जानते हो मैं सच बोलता हूँ, इसलिए सब नाराज़ रहते हैं, चपरासी तक मुझे पानी नहीं पिलाता है। वह व्यक्ति मुस्कुरा दिया और फिर अपने स्थान पर जाकर खड़ा हो गया। अब उस क्लर्क का मिजाज बदल चुका था, वह थोड़ा शांत हो चुका था। उसने सभी से अच्छे से बातें की और सबको अच्छे से सेवाएं देना शुरू कर दी। शाम को उस व्यक्ति के पास एक फ़ोन आया, दूसरी तरफ वही क्लर्क था। उसने कहा, भाई साहब आपका नंबर फॉर्म से लिया था, शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन किया है। मेरी माँ और पत्नी में बिल्कुल नहीं बनती, आज भी जब मैं घर पहुँचा तो दोनों बहस कर रही थी, लेकिन आपका गुरु मंत्र काम आ गया। वह व्यक्ति चौंक उठा और कहा, जी कौन सा गुरु मंत्र? जी हाँ, मैंने एक गिलास पानी अपनी माँ को दिया और दूसरा गिलास अपनी पत्नी को दिया और कहा कि यह गला सूख रहा होगा, दोनों का पानी पी लो। बस तब से हम तीनों हंसते खेलते बातें कर रहे हैं। अब भाई साहब आज खाने पर आप कब हमारे घर आ रहे हैं? जी लेकिन खाने पर क्यों? उस व्यक्ति ने पूछा। क्लर्क ने कहा, गुरु माना है तो इतनी दक्षिणा तो बनेगी ना आपकी, और ये भी जानता हूँ कि एक गिलास पानी में इतना जादू है तो खाने में कितना होगा। सभी प्यारे भाई बहनों से उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको भी पसंद आई होगी। इस बात से हमको यह सीख मिलती है कि दूसरों के क्रोध को प्यार से ही दूर किया जा सकता है। कभी कभी हमारे एक छोटे से प्यार भरे बर्ताव से दूसरे इंसान में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है और प्यार भरे रिश्तों की एकाएक शुरुआत होने लगती है। जिस घर में कार्यस्थल में मन सुकून हो वह काम करना चाहिए। सतनाम वाहिगुरु।